तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अब अपना पहला टिप्स। इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा ट्रिक है जो कि आपके सालों साल आएगा और हर उम्र के लिए ये काम भी आएगा। तो यहाँ पर हमने पानी पहले से रख लिया है और यहाँ पर हमने लिया है शर्ट। तो सबसे जो समस्या होती है ना, जैसे कि बच्चे हैं या बड़े हैं, पेन तो हम सभी रखते हैं, और जब इंक लग जाती है ना कपड़ों पर, तो उसको निकालना और साफ करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। क्योंकि हम लोग जब स्कूल जाते थे तो नहीं जानते थे कि इंक को किस तरह से साफ करना है। तो आज मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने जानबूझ करके पेन से यहाँ पर निशान लगा लिया है इंक का। अब यहाँ पर हम इसके नीचे पहले रखेंगे पॉलीथीन, और उसके ऊपर हम इस शर्ट को इस तरह से बिछा देंगे। यहाँ पर कोई सर्फ नहीं लगाएंगे, ना ही कोई सोडा लगाएंगे, और आपकी आंखों के सामने देखते ही देखते देखना इसका जो है दाग गायब हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी लगेगा कि हाँ, ये मैंने जो आपको बताया आपके लिए यूजफुल है। और हाँ, ट्राई जरूर करिएगा इसको। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा, और फिर कभी दूसरे वीडियो में हमें कमेंट करके बताना कि आपके लिए कितना यूजफुल रहा है। तो यहाँ पर हमने डिटॉल लिया है और उसमें पानी वानी कुछ नहीं मिलाया है, बस इस तरह से हमें डिटॉल डाल के हाथों से इस तरह से रब कर देना है। अब थोड़ी सी डिटॉल मैं और डाल देती हूँ। अब देखिए, इस तरह से मैं उंगली की मदद से फिर इस तरह से कर देती हूँ, रगड़ देती हूँ, और अब इस पॉलीथिन को हटा लेना है। अब इसको सादे पानी से हम वॉश कर लेंगे। तो आप देख सकते हो बड़े अच्छे से ये क्लीन हो गया है आपके आंखों के सामने। नहीं तो क्या होता है, जो इंक के दाग होते हैं कभी भी नहीं छूटते हैं बच्चे स्कूल में। इसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट भी मिलती है, और बहुत सी शिकायतें पेरेंट्स के लिए भी रहती है कि आप बच्चों के कपड़े अच्छे से क्लीन नहीं करते हो। तो ये वाला ट्रिक जरूर ट्राई करिएगा। आपके हस्बैंड है और इंक लग जाती है कपड़ों में या बच्चों की लग जाती है, तो इस तरह से एक बार ट्राई जरूर करिएगा। दो चार बूंद डिटॉल की लगा करके हम बहुत बड़ा काम बना रहते हैं। आशा करती हूँ ये टिप्स आपको बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि हर उम्र के लिए है और एवरग्रीन टिप्स है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा। अब पढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। जैसे बिस्किट बच्चे खाते हैं और खाने के बाद कुछ बच जाते हैं, अब उनको हम कहीं किसी कंटेनर में भर के रखते हैं, या फिर दुनिया भर की किफायत करते हैं, या इस तरह से हम क्लिप लगा देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से इनमें एयर चली ही जाती है। तो मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगी। आपको कोई कंटेनर नहीं लेना है, कोई ऑर्गेनाइजर नहीं लेना है, बस इस तरह से हम पहले रैपर को लपेट देंगे जो थोड़ा बहुत पहले का लगा हुआ है, और यहाँ पर हम एल्युमिनियम फाइल लेंगे, क्योंकि हर घर में हर किचन में मिल जाती है, और इस तरह से लपेट देंगे। और लपेटने के बाद आप कहीं पर भी इनको खुला भी रखोगे ना, तो इसके अंदर एयर बिल्कुल नहीं जाएगी और ये ताजे के ताजे बने रहिएगा। ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। तो पहला अगला टिप्स क्या है, जैसे कि बैंगन है हम सभी लाते हैं, या कोई भी सब्जियां हम लेकर के आते हैं, और उनको धोने के बाद हम सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद पॉलीथीन के अंदर भर के हम फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन क्या होता है, कितना भी सुखा लो, सुखाने के बाद जब भी हम फ्रिज से एक दो दिन के बाद निकालते हैं ना, तो इनमें पानी कि बूंदे हो जाती हैं, काफ़ी इतनी नमी हो जाती है कि बूंदे आपको दिखाई देती है, जैसे कि मेरे बैंगन में दिखाई दे रहे हैं। और इसी की वजह से ये बैंगन हमारे सड़ने लगते हैं और ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। तो इसके लिए मैं बढ़िया सी ट्रिक शेयर करूँगी, तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाना है, और वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हमने अपने सारे बैंगन निकाल लिए हैं और इनमें नमी आ गई थी, तो मैं पहले कपड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि अगर नहीं पोछेंगे तो ऐसे जो भी हम इसमें करेंगे वो वर्क नहीं करेगा। अच्छे से हमने इनको साफ़ कर दिया है, यानी कि पोंछ दिया है जो भी पानी एक्स्ट्रा लगा हुआ था। अब हमें पॉलीथीन लेना है, लेकिन अभी पॉलीथीन में हम इनको नहीं डालेंगे, पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो, इनके ऊपर ऑयल लगा दीजिए, इस तरह से हल्के हाथों से बस लगा देना, एक लेयर लगा देना है। अब हमें सूखी पॉलीथीन लेनी है और इसको इनके अंदर हम डालेंगे। अभी इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, अभी आप देखते जाइए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आपको ले लेना है नाइफ या कोई भी नुकीली चीज लेना है, और इसमें छोटे छोटे से आपको होल बना देने हैं। इस तरह से पूरे में कम से कम 8 से 10 होल हम बना लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, यहाँ पर अच्छे से होल बन गए। अब इन बैंगन को अगर आप फ्रिज में रखोगे, ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे, काफ़ी लंबे समय तक ये
ताजे बने रहेंगे और इनके अंदर नमी भी नहीं आएगी। तो ट्राई जरूर करिएगा, आई होप ये भी पसंद जरूर आया होगा। अब बात करते हैं हम इस तरह की कटोरियाँ, तो देखो सभी के घर में होती हैं। और इनमें क्या होता है, इनके जो नुकसान होते हैं, इनके जो किनारा होता है ना, यहाँ पर गंदगी भर जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको किस तरह की कटोरियों को लेना चाहिए। तो पहले मैं इनकी आपको गंदगी दिखा देती हूँ कि इनके अंदर कितनी गंदगी भर जाती है, क्योंकि कितना भी इनको आप क्लीन कर लो, इसके अंदर गंदगी रह ही जाती है। तो यहाँ पर हमने टूथपिक लिया है और इस तरह से आप देख सकते हो कितना काला काला जो गंदगी है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके भरती चली जाती है। और यही सारी चीज़ें हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती हैं। तो अगर चलिए आपके मैं पास इस अब तरह की इसको थाली कटोरी इस तरह ग्लास से निकाल कुछ लेती भी हूँ बर्तन थोड़ा है सा, तो तो इनको इनको टाइम टाइम पर इस तरह से क्लीन जरूर करते रहिए। अगर आप कुछ लेना चाहते हो, नया कुछ खरीदना चाहते हो, तो इस तरह से जो भी बाहर की तरफ इस तरह से मुड़ा होता है ना, इस तरह के बर्तन से आप बहुत दूरी बना करके रखिए, क्योंकि ये अच्छे नहीं होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इनको इस तरह से क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, तो इस तरह से जो चिकने बर्तन होते हैं, थालियाँ भी इसी तरह की आती हैं, कटोरियाँ भी आती हैं, ग्लास भी आते हैं, तो आप इस तरह से ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि इस तरह के जो बर्तन होते हैं ना, इनका साइज़ काफ़ी अच्छा होता है और बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो एक बार इस तरह के से इन्वेस्ट जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप्स की तरफ। तो धागा डालना तो हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जब आंखें वीक हो जाती हैं तो हम धागा अच्छे से नहीं डाल पाते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी सुई हो। और जब धागा नहीं जाता है ना, तो मन बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है। तो बढ़िया सी मैं एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आपको गुथा हुआ आटा लेना है, बस थोड़ा सा आटा लेना है, सरसों के बराबर आटा लेना है। और इस धागे के जो सिरा होता है ना, उस सिरे पर हम थोड़ा सा इस आटे को मल देंगे। इस तरह से हल्के हाथों से मल देना है, और मलने के बाद इसको हम 2-3 सेकेंड के लिए बस छोड़ेंगे। और उसके बाद आप देखिए, इसके इसमें जो जादुई ट्रिक होती है वो आपको नज़र आने वाली है। जो एक्स्ट्रा आटा था उसको मैंने हटा दिया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे ना, तो बड़े अच्छे से जाएगी, क्योंकि ये धागा थोड़ा सा अकड़ सा जाता है ना, टाइट हो जाता है ना, तो बड़े आसानी से धागा चला जाता है। कि सुई का होल कितना भी छोटा हो, बड़े आसानी से इस तरह से डाल सकते हो। आशा करती हूँ कोई ना कोई टिप्स आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर कोई भी टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।